धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भर्तृसव, यदि हास्ति त्वदन यत्र यन्ने हास्ति न त्वत् क्वचित। धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे जुड़े हुए दुनिया के अंदर जो कुछ भी होगा वह इसमें होगा, इसमें है, और जो इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं नहीं है। और मुझे लगता है कि महाभारत जैसा महाग्रंथ वह सब कुछ है उसमें, और उसमें वही सब कुछ है जो भारत के अंदर पहले से मौजूद है, जो हमारे वेदों में है, जो रामायण में है, जो उपनिषदों में है, जो पुराणों में है, वे सब कुछ उसमें निहित है। और मुझे लगता है कि हमने उस पवित्र ग्रंथ को, एक समय अभी साजिश चली थी कि महाभारत के प्रति लोगों के मन में एक अमनस्कता का भाव पैदा करने का प्रयास हुआ था, लोगों को दिखाने का प्रयास हुआ था कि महाभारत जैसे ग्रंथ को लोग अपने घरों में न रखें। आखिर उसी महाभारत महाग्रंथ का ही एक छोटा सा भाग श्रीमद् भगवत गीता है, जिसको इस देश ने अपना राष्ट्रीय ग्रंथ माना। आप न्यायालय में जाएंगे तो श्रीमद् भगवत गीता को साक्षी मान करके ही वहां शपथ ले पाते हैं। लेकिन उन तथ्यों से आपको अनभिज्ञ करने के लिए, दूर रखने के लिए किस प्रकार का दुष्प्रचार होता रहा है। और यह दुष्प्रचार का की पराकाष्ठा थी कि हमने कभी अपने परंपरा पर, अपनी संस्कृति पर गौरव की अनुभूति करना नहीं सीखा है।